पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। 1971 आज ही दे दिहाड़े बंगलादेश की तखलीक और पाकिस्तान के टुकड़े करने में भारत का नापाक किरदार किसी भी सूरत में बुलाया नहीं जा सकता। बंगलादेश की तखलीक में सब दे बड़ा अंसर भारतीय हुकूमत की तरफ से मक्तीबानी को मुसल्ला करना, तरबियत देना और उकसाना आसा। फैशिस्ट मोदी समेत भारतीय रहनुमा 1971 पाकिस्तान को तोड़ने में भारत के मुलव्वस होने का खुलेआम एतराफ कर चुके हैं। मोदी हुकूमत बंगलादेश के क्याम के मुतालिक झूठे कहानियों के जरिए आज भी बंगलादेशी आवाम जेना और दिलों में पाकिस्तान के वास्ते नफरत को हवा दे रही है। जिड़ी बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी और मोदी की क्यादत विच बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का खुला इजहार है। बंगाल के रहनुमावां की तहरीक पाकिस्तान विच अहम और गैर मामूली शराकत रही है और आल इंडिया मुस्लिम लीग जिस सुन पाकिस्तान के क्याम की हिमायत की खुद ढाका 2006 कायम हुई। अगरचे बंगलादेश के क्याम के नाल ही भारत हुण इसके अंदरूनी मामलों विच मुदाखलत शुरू करके दिया सी, मगर मोदी की क्यादत विच बंगलादेश समेत गुआंढी ममालक के अंदरूनी मामलों में भारतीय मुदाखलत बहुत बढ़ चुकी है। इंदिरा गांधी सन 1971 दावा किया था कि दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में गर्क हो चुका है, मगर बंगलादेश सन अपने मुस्लिम किरदार को बरकरार रख के यह दावा झूठ साबित किया है। भारतीय क्यादत सन पाकिस्तान के क्याम को भी अज तक कबूल नहीं किया, मगर बंगलादेश और पाकिस्तान के नए तालुकात के शुरुआत के जरिए भारतीय तसल्लुत पसंदाना अजायम को शिकस्त दी जा सकती है। मौजूदा जम्मू कश्मीर के रजौरी इलाके में भारतीय फौज की फायरिंग दो शहरी हलाक और एक जख्मी होया है। मकतूलेन की शनाख्त कमल किश्वर और सुरेंद्र कुमार साकना ने पुलाना रजौरी के तौर की गई है। दो भारतीय फौज के नाल पोर्टर के तौर काम कर रहे से मुकामी लोगों सुन वाके लिए तहकीकात के वास्ते फौजी कैंप के बेड़े जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। कनेडा की रुकन पार्लीमेंट सुन अपनी हुकूमत ने आख्या कि वह भारत के गैर कानूनी जेरे कब्जा जम्मू कश्मीर में मुनक़द होने वाली तकरीबात का बायकाट करे, क्योंकि भारत अकलीतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानी और जुल्म सितम और इंसानी हकूक की पामालियत के बावजूद G20 की सदारत कर रहा है।